जय हिंद दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके मलेशिया और जापान के बीच में खेले जाने वाला जो आपका ACC प्रीमियर अंडर-19 का मैच है दोस्तों। उस मैच के बारे में तो कौन से वो 11 प्लेयर्स है दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारे प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखिए, हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 5 कॉन्टेस्ट, और कितने विन किए, 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों। ये हमारी टीम थी, ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम थी, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 5 मिनट 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों, BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों, इमाम उल हक को नहीं रखा था, हमने टॉप के सारे बॉलर्स को और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितने आसानी से हम जीते थे मैच। ये देखिए हैरिस रोफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में, अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रखें, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रोफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है इस पर लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको दोस्तों, अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें मैच पर चलना है, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाना है, यहाँ से सबसे पहले अगर मलेशिया की टीम की बात करें, यहाँ से आपके विकेट कीपिंग सेक्टर एम खेल रहे हैरिसन, ये तीनों खेलेंगे,
ये मेरे टीम में जरूर आएंगे दोस्तों। यहाँ से आपके जापान की टीम से डी वेंकरस्ट ये खेलते दिखेंगे, पर ये मेरे टीम में इम्पोर्टेंट बनेंगे नहीं। बैटिंग की बात करें एम अशरफ आजमी खेलेंगे, एम बहरीन खेलेंगे। यहाँ से आपकी ये दोनों खेलेंगे जापान की टीम से पर बार और के हार्ड गेम दोस्तों। मेरे टीम की बात करें आजमी पमार और हार्ड गेम ये दोनों आएंगे। यहाँ से बात करें ऑलराउंडर की पगानी पाड़के स्टेफोर्ड हिजुकुस्टा ए आरिफ, यहाँ से ए आरिफ और पगानी और यहाँ से ए पद की ये तीनों को टीम में रखा जाएगा। अगर डायरेक्टली हम बॉलिंग के पर चले दोस्तों, यहाँ से एम आर एस आजमी आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक। यहाँ से एज हरिक बिन, यहाँ से आपके के लेक और तिवार, तो ये बन जाएगा मेरे टीम। आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ, सी और वी सी की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैप्टन दोस्तों पढ़ गए होंगे, नहीं ऐसे एज भी पक गानी होंगे, वाइस कैप्टन पढ़ गए होंगे। तो ये देखिए मेरे टीम बन के रेडी हो चुकी है, इसमें अगर मैं कुछ चेंज करता आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।